दोस्तों क्या आप कंफ्यूज हो पल्सर 125 NS लूँ या पल्सर 125? तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, मैं आपका कंफ्यूजन जो है ये दूर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पल्स इग्नाइटर पे। सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूँगा दोस्तों साई सर्विस बजाज ऑटो का, इनकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हुआ। इसी शोरूम में आपको बजाज, KTM, हस्क्वारना और चेतक, ये चार कंपनीज के जो बाइक है एक ही रूफ के अंडर अवेलेबल है। अगर आप पुणे में रहते हो तो इस शोरूम को ज़रूर विजिट कर सकते हो। मैंने जो एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इनकी डिज़ाइन से। डिज़ाइन वाइज देखेंगे बाइक कैसी है। आप देख सकते हो यहाँ पे पल्सर NS125 जो है ये स्पोर्टी डिज़ाइन है इसका, और उसी तरफ अगर आप देखोगे पल्सर 125 स्प्लिट सीट, ये जो है ये मेरे हिसाब से तो ये सेमी कंप्यूटर बाइक है। पल्सर 125 NS में आपको जो ये कलर्स जो है कलर स्कीम काफ़ी अच्छी मिल रही है। इसमें आपको ग्लॉसी कलर्स मिलते सारे, सॉरी इसमें आपको मैट रेड कलर अवेलेबल है, ग्रे अवेलेबल है, ग्रे, ऑरेंज और ब्लू, ये तीनों कलर जो है ये ग्लॉसी मिलते। तो उसी तरफ अगर 125 में आप देखोगे तो इसमें आपको जो ये सिंपल सा पेंट स्कीम मिलता है। पल्सर 125 में जो आपको ये नियॉन पेंट स्कीम मिलती है, इसमें आपको ऑरेंज और रेड, ये जो कलर है मुझे पर्सनली अच्छे लगे तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको और भी कलर वेरिएंट्स अवेलेबल है, और यहाँ पे भी आपको जो ये ऑरेंज ग्राफिक मिलेगा। इसके अलावा जो ग्रैब रेल है ये ऑरेंज कलर में मिलेंगे, और 125 का यहाँ पे बैजिंग देखने को मिलता है जो कि 3D बैजिंग है। तो उसी तरफ पल्सर 125 NS में आपको जो ये बैजिंग मिलती है 125 की, यहाँ पे आपको जो ये ग्राफिक मिलेगा 125 का। पल्सर का 3D एम्बलम मिलता है जो कि मेरे हिसाब से इस कलर के ऊपर ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 125 का लोगो है बट ये 3D नहीं है, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो इन दोनों बाइक में आपको जो है ये स्प्लिट सीट मिलता है। मेरे हिसाब से 125 NS में सीट हाइट जो है ये थोड़ी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू 125। तो आपको अलॉय व्हील्स में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसमें आपको जो है अलॉय व्हील्स थोड़े डिफरेंट मिलते हैं, और ये पल्सर 125 में आपको जो है ना अलॉय व्हील्स से ये क्लासिक मिलते हैं जो कि पुराने वेरिएंट से डिराइव किए हैं। तो दोस्तों देखते हैं 125 NS जो है ये पीछे से कैसी दिखती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे NS125 का लुक जो है ये मेरे हिसाब से तो स्पोर्टी इतना नहीं लग रहा है पीछे से, क्योंकि इसका एग्जॉस्ट जो है ये अंडरबेली है। आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ से, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका एग्जॉस्ट जो है ये अंडरबेली है। तो उसी तरफ अगर आप देखोगे पल्सर 125 में तो उसमें आप एग्जॉस्ट जो है ये साइड को देखने को मिलेगा। तो इसका रियर लुक कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इन दोनों बाइक का कंसोल देख लेते पहले। NS125 का कंसोल कुछ इस तरह से है जो कि मुझे काफ़ी स्पोर्टी लग रहा है। यहाँ पे जो RPM मीटर है आपको एनालॉग मिलेगा, और बाकी के जो न्यूमेरिकल्स है, बाकी के इंडिकेटर जो ये डिजिटल है। और यहाँ पे इस तरफ आप देख सकते हो 125 में दोनों बाइक्स में आपको जो है ये सेमी डिजिटल कंसोल देखने को मिलेगा। तो बेसिक सारे इंडिकेटर्स जो है इस कंसोल्स में, दोनों बाइक के कंसोल्स में अवेलेबल है, बट मेरे को जो है ये NS125 का कंसोल जो है ये काफ़ी स्पोर्टी लगा। दोस्तों अब बात करते हैं इनके इंजिन्स के बारे में। तो पल्सर 125 NS में आपको जो है इंजन, ये 124.45 cc का इंजन, एयर कूल्ड इंजन मिलता है यहाँ पे दोस्तों। और इसकी मैक्सिमम पावर है 12 PS, और इसका मैक्सिमम टॉर्क जो आपको मिलेगा ये मिलेगा 11 Nm का। तो इस बाइक में आपको जो है 5 गियर ट्रांसमिशन मिलता है। पल्सर 125 की बात करूँ तो इसमें आपको जो मिलेगा इंजन वो 124.4 cc का इंजन देखने को मिलेगा, और इसमें आपको जो पावर मिलती है 11.8 PS की, और इसका मैक्सिमम टॉर्क जो है ये 10.8 Nm है। तो इस बाइक में भी आपको 5 गियर ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, पर इसका जो गियर लीवर है इसमें डिफरेंस है दोस्तों। NS में आपको जो है गियर लीवर काफ़ी स्पोर्टी मिलता है, और पल्सर 125 में आपको जो है गियर लीवर काफ़ी क्लासिक मिल रहा है जो कि कंप्यूटर बाइक्स में मोस्टली होता है। इसके अलावा इनके सस्पेंशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। इस बाइक में NS में आपको जो सस्पेंशन मिलता है फ्रंट टेलीस्कोपिक ही मिलता है, और रियर में आपको दिखाना चाहूँगा काफ़ी बड़ा डिफरेंस है दोस्तों यहाँ पे आपको। और पीछे की तरफ आपको सस्पेंशन मिलता है गैस चार्ज मोनोशॉक सस्पेंशन, जो कि राइडर के लिए काफ़ी बेहतर है। और मेरे हिसाब से जैसे जितना मेरा एक्सपीरियंस है, पिलियन के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं होता है। इसके अलावा अगर पल्सर 125 की बात करूँ तो इसमें भी आपको फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे ट्रैवल देता है आपको।
इसके अलावा रियर में आपको मिलता है गैस चार्ज सस्पेंशन मिलता है, और इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो 125 है कम्यूटर, जो मैंने बोला सेमी कम्यूटर बाइक है, इसमें आपको चेन पॉकेट मिलता है, तो इसमें आपको चेन का मेंटेनेंस जो ये कम आएगा। तो उसी तरफ अगर आप देखोगे पल्सर 125 NS में, इसमें आपको जो ये चेन पॉकेट अनकवर्ड है, आप देख सकते हो पूरा ओपन चेन पॉकेट है, इसमें आपको मेंटेनेंस चार्ज आएगा। तो यही डिफरेंस मुझे लगा इनके चेन पॉकेट में। इसके अलावा दोनों बाइक में आपको जो किक स्टार्ट अवेलेबल है, किक स्टार्ट एज वेल एज सेल्फ स्टार्ट। तो दोस्तों बात करते हैं ब्रेकिंग की। पल्सर 125 में आपको जो ये 240 mm का सिंपल सा डिस्क मिलेगा, और रियर में आपको मिलता है ड्रम ब्रेक जो कि 130 mm का। तो उसी तरफ अगर ब्रेकिंग की बात करूँ पल्सर 125 NS की, तो NS में आपको फ्रंट में मिलेगा 240 mm का सेम डायमीटर का जो है ये पेटल डिस्क मिलता है। इसमें आपको डिफरेंस वही है कि इसमें पेटल डिस्क मिलेगा और उसमें आपको नॉर्मल डिस्क मिलेगा। तो पेटल डिस्क की वजह से इसमें आपको थोड़ा ब्रेकिंग का जो डिस्क की हीट है ब्रेक प्रेस करने के बाद वो जल्दी कम होती है, तो वही डिफरेंस है। रियर में आपको सेम ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा 130 mm का, जो कि काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ पे ABS नहीं मिलता आपको। ABS के लिए आपको थोड़ा आपका बजट बढ़ाना पड़ेगा, और आपका जो ये 125 सेगमेंट ये छोड़ के आपको 150 cc में जाना पड़ेगा। बट जो जिन लोगों का बजट कम है वो ये बाइक के लिए आप देख सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा अगर आपका बजट, आप एक स्पोर्ट्स बाइक लेना चाहते हो पर आपका उतना बजट नहीं है, तो आप पल्सर 125 NS के लिए आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो लोग बजाज पल्सर 150 लेना चाहते हो पर उनका बजट नहीं है, तो मेरे हिसाब से बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट के लिए जा सकते हो। तो इस बाइक में आपको फ्यूल टैंक मिलता है 12 लीटर का। तो उसी तरफ अगर देखूँ बजाज पल्सर 125 में आपको जो फ्यूल टैंक मिलता है ये 11.5 लीटर का, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाइक के एवरेज के बारे में कुछ बता नहीं सकते एग्जैक्टली, बट मेरे हिसाब से पल्सर NS 125 का माइलेज जो है ये पल्सर 125 से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि इसमें आपको पावर और टॉर्क जो है ये बढ़ा के दिया है। दोस्तों बात करते हैं इनके डायमेंशंस की। पल्सर NS की जो लेंथ है 2012 mm है, और बजाज पल्सर 125 की लेंथ जो है ये 2042 है। ओके, NS की विड्थ जो है ये 810 mm है, और उसी तरफ इस बाइक की अगर देखूँ तो ये 765 mm है। इसके अलावा NS की हाइट जो है ये 1078 mm है, और इस बाइक की जो है ये 125 की हाइट जो है ये 1060 mm है। NS 125 का वेट है 144 kg, और पल्सर 125 स्टैंडर्ड वेरिएंट का वेट है 142 kg। दोस्तों इन बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं। पल्सर 125 NS का जो ग्राउंड क्लियरेंस है 179 mm का है, और पल्सर 125 का ग्राउंड क्लियरेंस जो है ये 165 mm का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में पल्सर 125 NS का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है। ऑफ रोडिंग की आप इस बाइक के साथ ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, छोटे मोटे पॉट होल से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बट यहाँ पे पल्सर 125 का अगर ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो थोड़ा NS के कंपैरिजन में कम है, तो इसमें आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बट ओवरऑल दोनों बाइक्स जो ये काफ़ी अच्छे 125 सेगमेंट बाइक लेना चाहते हो, तो इन दोनों में से कौन सी भी बाइक के लिए आप जा सकते हो। दोस्तों अगर बात करूँ इन बाइक के टायर की, तो दोनों बाइक में आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, और व्हील साइज़ जो है 17 इंच दोनों बाइक में सेम है, 17 इंच के व्हील साइज़ मिलते हैं दोनों बाइक में। आपको फ्रंट में मिलेगा 18x100 का टायर, और रियर में मिलेगा आपको। दोस्तों यहाँ पे दोनों बाइक्स में मुझे एक मेजर डिफरेंस लगा जो कि इस पेरीमीटर फ्रेम का। पल्सर 125 NS में आपको जो ये पेरीमीटर फ्रेम मिलता है, जिसकी वजह से आपको हाईवेज पे जो ये अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है। तो उसी तरफ अगर आप पल्सर 125 स्टैंडर्ड वेरिएंट देखते हो स्प्लिट सीट वाला, तो उसमें आपको जो ये पेरीमीटर फ्रेम देखने को नहीं मिलेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाइक हाई स्पीड पे जो ये स्टेबल नहीं रहेगी, तो स्टेबल रहेगी दोस्तों, बट ये डिफरेंस है जो कि मुझे लगा। दोनों बाइक्स में आपको टायर साइज़ जो ये सेम ही मिलती है, बट मेरे हिसाब से अगर आप स्पोर्टी बाइक लेना चाह रहे हो तो इसमें आपको रियर में टायर जो ये थोड़ा बड़ा देना चाहिए कंपनी ने, तो बाद में इसमें भी इतना मेजर डिफरेंस नहीं है दोस्तों, ये बाद में आप चेंज कर सकते हो। टायर आप जो ये चेंज करके थोड़ा बड़ा टायर डाल सकते हो, जिससे आपको हाईवेज पे अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं प्राइसिंग की। पल्सर 125 NS की प्राइसिंग जो है ये आपको मिलेगी 1,14,000 इन पुणे। तो वही उसी तरफ अगर आप देखोगे तो पल्सर 125 की प्राइसिंग जो मिलेगी आपको 1,01,000 के आसपास, वो भी पुणे में। तो यहाँ पे पल्सर 125 NS की प्राइसिंग जो है काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड वेरिएंट पल्सर 125 के। तो दोस्तों
जिनका बजट कम है वो इस बाइक के लिए जा सकते हो, और जो बजट थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो पल्सर 125 NS के लिए डेफिनेटली जा सकते हो। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।